पर्युषणा महापर्व का आरंभ हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है। पर्युषणा महापर्व आज से शुरू हो रहा है और आरंभ तो हर साल होता है। हर साल पर्युषणा महापर्व आते हैं, हर साल हम शुरू कर लेते हैं और हर साल हम पूरा भी कर लेते हैं। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि बड़ी सोचने वाली बात है, कहा जाता है जहां यह कहा गया कि एक संवत्सरी का प्रतिक्रमण भी आपके आत्मा को तार सकता है, एक पर्युषणा महापर्व की एक छोटी सी आराधना भी आपका कल्याण कर सकती है, फिर भी इतने सारे पर्युषणा महापर्व की आराधना करने के बावजूद भी हम वैसे के वैसे क्यों है? हमारे जीवन में कोई बदलाव क्यों नहीं? हमारे जीवन में कोई परिवर्तन क्यों नहीं? हमारे जीवन में कोई चेंजेस क्यों नहीं? पर्युषणा महापर्व आते हैं तब 8 दिन जग जाते हैं और लगता है कि वापिस से सो जाते हैं। 8 दिन जरूर जगते हैं लेकिन बाकी पूरे साल के जितने भी दिन है हमारे सोने में बीत जाते हैं। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि पर्युषणा महापर्व की यह ताकत है कि इसका आरंभ आपके जीवन को कहां से कहां पहुंचा सकता है। लेकिन मैं आज आपसे पर्युषणा महापर्व के प्रथम दिन आपको यह बताना चाहता हूं कि पर्युषणा महापर्व का आरंभ तभी आपके लिए सफल होगा जब आप जीवन में 4 वस्तुओं का अंत कर लो। 4 चीजों का अंत होगा तो ही पर्युषणा का आरंभ। आज तक हमने भूल क्या करी? आज तक हम चूके कहा? आज तक हमने मिस्टेक कहां करी? आज तक हम कहां चूक गए? हमने अंत नहीं किया और आरंभ करने का, शुभारंभ करने का हमने प्रयत्न किया और वो शुभारंभ नहीं हो पाया, आरंभ नहीं हो पाया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जीवन में समझ लीजिएगा, 4 चीजों का अंत हो तो ही पर्युषणा का आरंभ हो, वरना हर साल पर्युषणा आते हैं, आकर चले जाते हैं, हम वैसे के वैसे ही रहेंगे। कहा बराबर समझ? पर्युषणा 4 शब्द है। पहला शब्द प हमें यह सिखाता है प्रमाद का अंत हो तो पर्युषणा का प्रारंभ। पर्युषणा का प्रारंभ यदि करना है, पर्युषणा का आरंभ यदि करना है, पर्युषणा का शुभारंभ यदि करना है, पर्युषण को शुरू यदि करना है तो 4 चीजों का अंत नितांत आवश्यक है। 4 चीजों का अंत करना बड़ा जरूरी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं पर्युषणा के 4 शब्द, और 4 शब्द हमें सिखाते हैं कि 4 चीजों का अंत कर ले तो ही पर्युषणा का आरंभ होगा। और प ये सिखाता है कि प्रमाद का अंत। कितना प्रमाद हमारे भीतर, आज के दिन भी इतना बड़ा दिन होने के बावजूद भी कई लोग ऐसे हो गए जिन्होंने प्रमाद की वजह से शायद सुबह का प्रतिक्रमण न किया। रीजन और कोई नहीं, बस नींद आ रही है, बस सोना है, शाम का कर लेंगे। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या बदलने वाला है? क्या चेंज होने वाला है? कुछ भी नहीं तो होने वाला है, इसलिए शायद सुबह का प्रतिक्रमण भी छोड़ दिया। मैं कई बार कहता हूं कि पर्युषणा महापर्व को सफल बनाना है तो 5 प को संभालना पड़ता है। प्रतिक्रमण छोड़ नहीं सकते, पचखान छोड़ नहीं सकते, प्रवचन छोड़ नहीं सकते, प्रायश्चित छोड़ नहीं सकते और पौषध छोड़ नहीं सकते। ये 5 पग को जो संभाल ले वही पर्युषणा महापर्व को संभाल सकता है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पर्युषणा का आरंभ कब हमारे लिए सार्थक हो? जब 4 चीजों का अंत कर ले तो पर्युषणा का आरंभ हमारे लिए सफल बन जाएगा। प ये सिखाता है कि प्रमाद का अंत कर ले। 8 दिन एक्टिव मोड पर आ जाना, एक भी क्रिया छूटे नहीं, एक भी अनुष्ठान छूटे नहीं, एक भी प्रवचन छूटे नहीं, एक भी प्रतिक्रमण छूटे नहीं। अभी तक के पर्युषण हमारे जैसे भी गए हो, जैसे भी निकाले हो, लेकिन एक चीज समझ लेना, जब तक प्रमाद का अंत नहीं होता तब तक पर्युषणा आपके लिए सार्थक नहीं होगे। पर्युषणा महापर्व के भीतर हमारे भीतर प्रमाद बहता रहता है। अरे मैं आपको क्या बताऊं, परमात्मा महावीर की अंतिम देशना उत्तराध्ययन सूत्र, और उत्तराध्ययन सूत्र के भीतर भी प्रभु ने सबसे ज्यादा बात करी हो तो प्रमाद के ऊपर करी। बार बार एक शब्द दोहराया, समयम गोयम, क्या दोहराया? समयम गोयम माप माये। कहा कि हे गौतम, मेरा एक ही संदेश है, मेरा एक ही उपदेश है, मैं एक ही चीज बताना चाहता हूं, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जीवन में समय को कभी मत गंवाना, प्रमाद मत करना,
क्योंकि समय कितना है पता नहीं, समय कब पूरा हो जाएगा पता नहीं, समय कब खत्म हो जाए पता नहीं, समय कब हाथ से फिसल जाए पता नहीं, और फिर रोना पड़े। इससे अच्छा जाग जाना। परमात्मा महावीर ने जितनी भी देशना दी सबका सार यदि एक लाइन में कहा जाए तो एक ही है, समयम गोयम मापमाय। पर्युषणा का आरंभ तब हो जब चार चीजों का अंत हो जाए, और पर सिखाता है कि प्रमाद का अंत हो तो पर्युषणा का प्रारंभ, प्रमाद का अंत हो तो पर्युषणा का आरंभ हो, प ये सिखाता है, बराबर समझ लेना। दूसरा शब्द है य, और ये सिखाता है कि याचना का अंत हो तो पर्युषणा का आरंभ हो। हमारी बड़ी बुरी आदत है मांगने की, हम जहां जाते हैं वहां मांगने लग जाते, कभी खुद के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी अपनों के लिए, कभी मित्रों के लिए, कभी स्नेहियों के लिए, कभी स्वजनों के लिए, कभी आस पड़ोस के लोगों के लिए, और हर जगह जहां भी हम जाए बस मांगने की चेष्टा करते रहते हैं, जहां पर भी हम जाए जब बस मांगते रहते हैं। और इसलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं, ये पर्युषणा महापर्व ये सिखाते हैं कि भाई ये जीवन याचना करने के लिए नहीं है, क्या मांगना, और मांगे भी तो किससे मांगे। बड़ी सोचने वाली बात है, हम किससे मांगते हैं यह भी सोचने वाली बात है, और क्या मांगते हैं यह भी सोचने वाली बात है। क्या क्या मांग लेते हैं हम परमात्मा के पास जाकर के, संसार के सुखों की याचना करते हैं, गुरु के पास जाकर के हम ये याचना करते हैं कि गुरुदेव मेरा व्यापार ठीक ठाक चले, व्यापार में परेशानी हो तो निकल जाए, मेरे बेटे का ब्याह हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, ये हम गुरु के पास जाकर मांगते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समझना, पर्युषणा महापर्व का आरंभ तब ही होगा जब चार चीजों को आप अंत कर पाओ। जब तक चार चीजें का अंत नहीं होगा, चार चीजें निकलती नहीं, तब तक आप पर्युषणा महापर्व का आरंभ नहीं कर पाओगे। बराबर कान खोल के समझ लेना। प यह सिखाता है प्रमाद का अंत हो तो पर्युषणा का आरंभ हो, ये सिखाता है कि याचना का अंत हो तो पर्युषणा का आरंभ हो, और स ये सिखाता है कि शत्रुता का अंत हो तो पर्युषणा का आरंभ हो। मात्र मिच्छा में दुकड़म बोल दिया, मात्र व्हाट्सएप मैसेज कर दिए, जान पहचान वालों को गले लगा करके मिच्छामि दुक्कड़म कहने से पर्युषणा महापर्व सफल नहीं होते। जिसके साथ तुम्हारी शत्रुता है, जिसके साथ तुम्हारा मनमुटाव है, जिसके साथ कहीं ना कहीं परेशानियां चल रही है, जिसके साथ जीवन में कहीं ना कहीं उलझने हैं, उनके साथ, उनके सामने जाकर के क्षमा मांगे तब जाकर पर्युषणा आरंभ हो। और एक चीज बराबर समझना, हमारे मन में से जब तक कचरा निकलेगा नहीं तब तक अच्छी चीजें प्रवेश नहीं कर पाएंगी। कचरा निकालना जरूरी है, और कचरा निकालने का अवसर यानी पर्युषणा महापर्व। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा, स्वीकार लीजिएगा, अपने आप को देख लीजिएगा कि पर्युषणा महापर्व आए हैं, लेकिन वो पर्युषणा महापर्व मेरे लिए सार्थक कब हो, पर्युषणा महापर्व मेरे लिए सफल कब हो। और सही मायने में मात्र आज के दिन से पर्युषणा महापर्व का आरंभ हो जाए, इतने मात्र से हमारा कल्याण नहीं होगा। जब तक चार चीजों का अंत न हो तब तक पर्युषणा का आरंभ नहीं। प यह कहता है, प क्या कहता है बोलो, सभी साथ में मिलकर क्या कहता है, प्रमाद का अंत। यह क्या कहता है, याचना का अंत। स क्या कहता है, शत्रुता का अंत। और मैं तो कई बार कहता हूं कि 3,333 सीढ़ियां चढ़ के प्रभु आदिनाथ को मिल लेना, प्रभु आदिनाथ के चरण में अपना मस्तक झुका देना बड़ा सरल है, उसमें कोई परेशानी नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 3,333 सीढ़ियां चढ़ के आदिनाथ परमात्मा को मिल लेना बड़ा सरल है, लेकिन शत्रु के घर की 3 सीढ़ियां चढ़ना भी हमारे लिए दुष्कर हो जाता है। और मैं तो कहता हूं शत्रुंजय जाकर के हमारा कल्याण हो न हो मैं नहीं कह पाता, लेकिन शत्रुता को मिटा करके निश्चित तौर पर हमारा कल्याण होगा।
जिसके भीतर शत्रुता का भाव नहीं है वो वितराग बन जाता है, वितराग की अवस्था में प्रयाण कर लेता है, वितरागी बनने के लिए आगे बढ़ जाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, पर्युषणा का आरंभ करना हो तो चार चीजों का अंत करना पड़ेगा, तभी जाके पर्युषणा का आरंभ होगा। और चौथा शब्द है ना, और ना ये सिखाता है कि नाटक का अंत हो तो पर्युषणा का आरंभ। हमारा जीवन हमने नाटक बना दिया है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। नाटक में क्या होता है? पर्दे के सामने और कुछ, पर्दे के पीछे और कुछ। जो व्यक्ति पर्दे के सामने आकर के कुछ चेष्टा कर रहा है, कोई पात्र बना रहा है, कोई नाटक कर रहा है, वो पर्दे के पीछे जाकर के उसे भूल जाता है, उससे बाहर निकल जाता है, उसको छोड़ देता है, वो पात्र निकाल के फेंक देता है। इसी तरह से हमारे हालात है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, भीतर में कुछ और ही चल रहा है। दिखावे का जगत है, दिखावे की दुनिया है, हर कोई आदमी दिखावा करना चाहता है, हर कोई आदमी दिखावा करने लगा है। इसीलिए ये परिश्रम महापर्व में भी ये यदि नाटक हमारा बंद नहीं हुआ, नाटक का अंत नहीं हुआ, नाटक खत्म नहीं हुआ, तो परिश्रम महापर्व का आरंभ हमारे लिए सार्थक नहीं बनेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समझ लेना, नाटक का भी अंत करना पड़ेगा। कितना दिखावा, कितना कर रहे हैं हम। इतने अद्भुत पर्व हो, इतने अद्भुत पर्व के दिन हो, लेकिन फिर भी हमारा दंभ न छूटे, फिर भी हमारा नाटक न छूटे, फिर भी हमारा दिखावा न छूटे, तो समझ लेना पर्युषणा महापर्व में हमने कुछ नहीं किया। मैं तो कहता हूं कि 8 दिन ऐसे है क्रिस्टल क्लियर हो जाना, जैसे है वैसे, जैसे है वैसे अपने आप को गुरु के सामने पेश कर देना, प्रभु के सामने पेश कर देना, धर्म के सामने पेश कर देना, जैसा हो वैसा ही दिखाई पड़ना चाहिए, तभी जाके ये पर्युषणा महापर्व हमारे लिए सार्थक होगा, हमारे लिए सफल होगा। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में समझ लीजिएगा, जीवन में जान लीजिएगा, जीवन में स्वीकार लीजिएगा कि पर्युषणा तो हर साल आते हैं और आकर के चले जाते हैं। पर्युषणा आएंगे, आज से शुभारंभ हुआ और 8 दिन में परिपूर्ण हो भी जाएंगे, 8 दिन में खत्म हो भी जाएंगे, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पर्युषणा का आरंभ तभी सही मायने में होगा, पर्युषणा का आरंभ तभी सही मायने में हम कर पाएंगे जब चार चीजों का अंत कर ले। प ये सिखाता है कौन सी चीज का अंत करना है, साथ में मिलकर प कौन सी चीज का अंत, प्रमाद का अंत। ये सिखाता है याचना का अंत कर दो, स ये सिखाता है शत्रुता का अंत कर दो, और न ये सिखाता है नाटक का अंत कर दो। ये चार चीजों का यदि अंत कर पाए तो समझ लेना पर्युषणा का आरंभ हमारा सफल हो पाएगा। और जैसे ही पर्युषणा महापर्व आते हैं ना, हम सभी एक दूसरे को कहते हैं हैप्पी पर्युषणा। कोई भी त्योहार आता है, कोई भी पर्व आता है, तो हम कहते हैं हैप्पी पर्युषणा। मैं कहता हूं चलो वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या सही मायने में पर्युषणा महापर्व आए तो आप हैप्पी होते हो? सही मायने में हैप्पी होते हो? कि फिर ऐसा विचार आता है कि कहां पर्युषणा महापर्व आ गए, अब तप भी करना पड़ेगा, अब त्याग भी करना पड़ेगा, अब प्रतिक्रमण भी करने पड़ेंगे, अब प्रवचनों का श्रवण भी करना पड़ेगा, अब धर्म भी करना पड़ेगा। यही विचार यदि हमारे भीतर चलते हो तो हमारे लिए ये पर्युषणा हैप्पी पर्युषणा नहीं बन सकते। सही मायने में हैप्पी पर्युषणा क्या है कि हम अपने आप को बदल ले, हम अपने आप की यात्रा पे चले जाए, अपने आप को निहार ले, अपने आप को देख ले, अपने आप के भीतर में प्रवेश कर ले और अपने आप में कहीं ना कहीं बदलाव ले आए, तभी जाके पर्युषणा हैप्पी पर्युषणा बन पाएंगे। वरना मैं कहता हूं कि बार बार पर्युषणा आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, हम तो वैसे के वैसे रह जाएंगे। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।